उत्तराखंड की मंगलोर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत के बाद प्रदेश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। इसी के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाजपुर के भगत सिंह चौक पर जमकर आतिशबाजी की और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष के प्रतिनिधि डीके जोशी ने कहा कि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के घोटालों वाली सरकार से त्रस्त है और उपचुनाव में कांग्रेस की जीत 2027 का रास्ता खोल रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजकुमार ने कहा कि भाजपा ने जिस तरह से प्रदेश में भ्रष्टाचार का माहौल बनाया उससे प्रदेश की जनता में काफी गुस्सा है और इसी का नतीजा है कि मंगलोर और बद्रीनाथ की जनता ने उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताया। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश में भ्रष्टाचार का माहौल बनाया गया है उससे ये प्रतीत होता है कि आने वाला समय कांग्रेस का है। दोनों सीटें हमारी उपचुनाव पार्टी में कांग्रेस ने विजय प्राप्त की है, इसके लिए प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व का हार्दिक आभार और वहां की जनता का बहुत बहुत आभार। और आने वाला समय निश्चित 2027 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। आज हमारे केंद्रीय नेतृत्व एवं जो हमारे प्रदेश का नेतृत्व है उनके दिशा निर्देश में जो चुनाव लड़ा गया है संगठित होकर एक बहुत बड़ी विजय कांग्रेस को यहाँ मिली है और 27 का रास्ता आज हमने तय कर लिया है कि 27 में कांग्रेस भारी बहुमत से प्रदेश में आएगी। हम उत्तराखंड के लिए जल जंगल जमीन जवानी की लड़ाई को बरकरार रखते हुए हम बेरोजगारी पर हम यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ और अपने प्रदेश को बचाने के लिए इस लड़ाई को 27 तक ले जाकर और 27 में एक सुंदर उत्तराखंड का सपना